ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुबई में COP28 में विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। ये आयोजन महत्वपूर्ण जलवायु मुद्दों पर चर्चा का मंच उपलब्ध कराएगा। ये COP28 से अलग जलवायु वित्त, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव और लीड आईटी से संबंधित विचार विमर्श में प्रधानमंत्री की भागीदारी का साक्षी भी बनेगा। COP28 विश्व नेताओं का महत्वपूर्ण मंच है जो जलवायु परिवर्तन से निपटने और पेरिस समझौते के अंतर्गत हुई प्रगति का आकलन करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री का संबोधन आइए सुनते हैं। क्लाइमेट के विषय को निरंतर महत्व दिया है। सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए हमने मिलकर ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट पर सहमति बनाई। हमने लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिद्धांत तय किए। हमने वैश्विक स्तर पर रिन्यूएबल एनर्जी को 3 गुना करने की प्रतिबद्धता जताई। भारत ने अल्टरनेट फ्यूल्स के लिए हाइड्रोजन के क्षेत्र को बढ़ावा दिया और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस भी लॉन्च किया। हम मिलकर इस नतीजे पर पहुंचे कि क्लाइमेट फाइनेंस कमिटमेंट को बिलियन से बढ़ाकर कई ट्रिलियन तक ले जाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर दुबई में हैं। प्रधानमंत्री की ये संयुक्त अरब अमीरात की 6ठी यात्रा है। दुबई पहुंचने पर भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे ने 75 वर्ष के शानदार इतिहास में देश विदेश में चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सराहनीय कार्य किया है। राष्ट्रपति ने आज पुणे में सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को राष्ट्रपति का ध्वज प्रदान किया। ये ध्वज किसी भी सैन्य इकाई को प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज इस वर्ष प्लैटिनम जुबली मना रहा है। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज झारखंड के हजारीबाग में बीएसएफ मेरू प्रशिक्षण केंद्र में सीमा सुरक्षा बल के 59वें स्थापना दिवस समारोह में परेड की सलामी ली। इस अवसर पर श्री अमित शाह ने कहा कि देश को सीमा सुरक्षा बल पर गर्व है जो अपने साहस और शौर्य से देश की सीमाओं को अक्षुण रखता है। गृह मंत्री ने सीमा सुरक्षा बल के जांबाज शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि मातृभूमि के लिए सर्वोच्च त्याग के कारण देश उनका सदैव ऋणी रहेगा। बीएसएफ के स्थापना दिवस पर कुल 32 पदक और वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए। आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का स्थापना दिवस है। जम्मू के गुलशन मैदान में विकसित भारत संकल्प यात्रा के 4थे दिन आज कई शिविर आयोजित किए गए हैं। इस दौरान चिकित्सा जांच से लेकर आधार कार्ड अपडेट के लिए शिविर आयोजित किए गए। शिविर में नागरिकों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना सहित विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के बारे में जानने का अवसर मिला। आज विश्व एड्स दिवस है। ये दिवस विश्वभर में लोगों को एचआईवी वायरस के प्रति जागरूक करने और एकजुट होकर इससे निपटने के लिए मनाया जाता है। इस बार विश्व एड्स दिवस का विषय है सामुदायिक नेतृत्व। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 3,90,00,000 से अधिक लोग एचआईवी से पीड़ित हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का 4था मैच आज रायपुर में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 2-1 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।